नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित जैन, प्रोप्राइटर ऑफ अरिहंत टेक्सटाइल। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर कुछ साड़ी दिखाऊंगा, बहुत लिमिटेड सैंपल दिखाऊंगा। और साड़ी का सबसे पीक सीजन है ये जो टाइम पीरियड है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी ना नवंबर में 15 नवंबर के बाद दिवाली के बाद क्या सर, हर जगह ना सालक चालू हो जाते हैं, शादियां चालू हो जाती है, उसके अंदर लेन देन की साड़ी बिकती है, ब्राइडल साड़ी बिकती है, लहंगे बिकते हैं, गर्लिश साड़ियाँ बिकती है, सब चीज़ बिकती है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हो, इसीलिए हम ऐसे टाइम पर साड़ी की वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों हमारा ऑफिस दिल्ली के अंदर है, चांदनी चौक के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पर। आने का प्रोसेस आपको बता दूँ, चांदनी चौक नई सड़क पर आपको आना है। वैरायटी दिखाएंगे साड़ी के अंदर, 90 रुपये से स्टार्ट होगा, जिसमें विद ब्लाउज साड़ी आएगी, हर पीस की कलर की गारंटी होगी। और रेंज में आपको 2000 रुपये तक की रेंज दिखाऊंगा सर। आजकल जो फेस्टिवल टाइम है उसके अंदर ना थोड़े ब्राइडल पीस ज़्यादा चल रहे हैं। दोस्तों देखो हमारा काम ना बड़ा पुराना है, और कुछ पार्टियाँ ऐसी भी होती है, जैसे हम 100 पार्टियों को माल देते हैं, उसमें से ना 4-5 पार्टी ऐसी होती है जो कहती है हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसका कारण क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसको 5% 100 में से 95% लोग नफे के अंदर है, कमाई कर रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, 5% लोग फेल हो रहे हैं, उसका कारण बताए तो क्या है, एक तो उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरी बात, कुछ लोगों की इच्छा ऐसी होती है, अगर ये मेरी 1000 रुपये की साड़ी है तो इसको 2000 रुपये के अंदर बेचो, ये तरीका गलत है। पहली ऑप्शन, फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर आपको तरक्की हमारे क्या किसी भी धंधे के अंदर नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर मैं कोई आपको 1000 रुपये का पीस दूंगा, हम प्रेफर करते हैं उसको आप 1450 रुपये का बेच दो, हर पीस के अंदर 40% का मुनाफा लो, 5% आपका खर्चा चला गया, 40% आपके घर के अंदर आ जाएगा सर। इसका मतलब यह, अगर आपने मेरे धंधे में 2 लाख रुपए लगाए तो आपका 2,80,000 रुपये में माल बिक जाएगा। तीसरी बात, जो आदमी अगर मन से काम करेगा कि मेरे को यही काम करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तरक्की जरूर मिलेगी। और जिस आदमी के पास अगर दूसरी ऑप्शन निकली कि यार कपड़े का काम ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो है बढ़िया, नहीं चला तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे, तो उसको सर प्रोग्रेस नहीं मिलती व्यापार के अंदर। ब्रेक लेना। दोस्तों जिस आदमी को ऑप्शन मिल जाएगी ना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम प्यार से, जिस आदमी को ऑप्शन मिल जाएगी वो काम में सक्सेस कभी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शन मिल गई कि भाई साहब अगर ये काम नहीं चलता तो दूसरी ऑप्शन मेरे पास है। जब आपको लगेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, यही काम करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% लिख के मिलेगी। छोटा सा आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी 2 मिनट की कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था, उसने जो है ना 2 कौवे खरीदे, बहुत सुंदर थे, दोनों उड़ते नहीं थे, उसने खरीद लिए बहुत सुंदर, और ट्रेनर बुलाया इंग्लैंड से जो उनको ट्रेनिंग देता है कि ऐसे उड़ना है, ऐसे करना है, ऐसे बात सुननी है, सब चीज़ समझनी है। तो उनके लिए क्या है, इंग्लैंड से उन्होंने ट्रेनर बुलाया, बहुत पैसे देके। वो आ गया जी ट्रेनर, ट्रेनर ने बोला भाऊ जी कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने के अंदर दोनों के दोनों आकाश में ऐसे उड़ेंगे, आप देखते रह जाओगे। राजा बोला ओके डन, ट्रेनर ने अपना काम चालू कर दिया जी। उसके बाद क्या, उसने सब सिखाने लगा, सब चीज़ करी, दिन रात सुबह शाम खाना पीना सब चीज़ पूरा जोर लगाया। 3 महीने का टाइम हो गया, उसके बाद पेशी हुई उसकी। ट्रेनर कहता है भाई साहब, राजा को बोलता है राजा जी हम हार गए, एक तो उड़ने लग गया लेकिन दूसरा नहीं उड़ता, हम हार गए। बहुत बड़ा ट्रेनर जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस था, फुल पैसे लेकर आया इंडिया में इंग्लैंड से उड़ाने के लिए, लेकिन उड़ा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद एक आम आदमी आया राजा के पास, कह रहा है सर मैं इसको उड़ा दूंगा, फीस मेरी जो मैं मांगूंगा मेरे को दे देना। तो राजा बोलता है कि जो इंग्लैंड से इतने बड़े बड़े आदमी आए वो तो इसको उड़ा नहीं पाए कौए को, तुम कहाँ से उड़ाओगे, एक तो उड़ता है लेकिन दूसरा उड़ता ही नहीं है, वो डाल पे बैठा रहता है। आम आदमी कहता है आप राजा जी मेरे को मौका दे के देखो। राजा कहता है ठीक है तुम भी मौका ले लो, हमें क्या दिक्कत है, ट्राई कर लो। कह रहा है सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए। कहता है 2 दिन दिए, जब 3 महीने हमने वहाँ दे दिए, इतने पैसे खर्च दिए, तो 2 दिन तेरे को भी दिए भाई, क्या दिक्कत है हमें। राजा परेशान, कहता है कि जो ट्रेनर आया है इंग्लैंड से, 3 महीने का टाइम मिला, उसने तो वो काम करने दिखाया, और एक आम आदमी कहता है कि मैं कर दूंगा ठीक है। 2 दिन बाद देखा जी दूसरा कौवा, वो भी उड़ रहा है, फुर एकदम फर्स्ट क्लास उड़ रहा है। हुआ क्या? राजा परेशान बोला कि हुआ क्या भाई साहब, इतना बड़ा आदमी फेल हो गया और इस आम आदमी ने ऐसा कर दिया। तो उसने पूछा राजा ने कि यार तू एक आम आदमी, तूने काम कैसे कर दिया जो अच्छे अच्छे आदमी फेल हो गए। आम आदमी ने क्या जवाब दिया सुनो आप, कहता है मैंने कुछ भी नहीं करा, वो जिस डाल पे बैठा था ना मैंने उस डाल को ही काट दिया, अपने आप उड़ने लगा। तो कहानी सेम वही है सर, अगर आपको ऑप्शन 2 मिलेगी तो आप पहली ऑप्शन में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपको लगेगा मेरे को कपड़े के काम में ही पैसा कमाना है, इसी में तरक्की करनी है, इसी में मेरा गुजारा है, तो आपके
एक लाख रुपए जो है ना एक करोड़ के अंदर किस दिन बदल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी ना छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, हम एक वीडियो में सारी बात कर नहीं पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा सर साड़ी की।